आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया फ्री वर्क परमिट के बारे में। आज मेरे पास 3 वीज़ा रिसीव हुए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, इनकी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा, इनका वीज़ा कैसे आया, ऑफर लेटर कब मिला, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, क्या कॉस्ट लगी और लाइक इनको क्या क्या चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करी है, कितनी सैलरी पैकेज है, ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखें। मेरा नाम है जी ए के वर्मा, आप देख रहे हैं ग्रोप सर्विसेज। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ाज़। जो सबसे पहला वीज़ा है ये है जी निखिल कुमार जी का, उसके बाद जो वीज़ा है ये है विक्रमजीत जी का, ये आपके सामने है, और उसके बाद जो वीज़ा है ये है निधि जी का। ये तीनों वीज़ाज हमें कैसे मिले और लाइक इन्होंने कैसे अप्लाई करा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे इन्होंने लाइक क्या स्टेप फॉलो करा है कि इनको आज वीज़ा मिल गया। सबसे पहले जैसे मैं लोग आपको गाइड करता हूँ कि लाइक आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छी रखनी पड़ती है तो ही आपको वीज़ा मिलता है, तो ही आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। सबसे ज़रूरी होता है ऑफ़र लेटर। देखो, कंपनी को ना सबसे पहले चाहिए होती है आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन। अच्छी रखोगे, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे रखोगे तो कंपनी लाइक आपको वैसे ही आपको हायर कर सकती है। तो सबसे पहले काम करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जो आपका मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, वो होता है सीवी कवर लेटर। सीवी कवर लेटर ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर होना चाहिए, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन हो, लाइक आपने क्या स्किल है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो जॉब के लिए क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है वो आप मेंशन कर सकते हो, क्या लाइक वहां पे जाके क्या काम करना है आपने, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको मेंशन करनी होती है अच्छे से। ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है, फिर लाइक हम अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कैसे अप्लाई किया था, लाइक इनका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ ना। ये seek.com जो होता है ना, जो आप सबको पता है, लोग लाइक ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द फेवरेट वेबसाइट है, जहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे, 3-4 महीने, कईयों को 2 साल, कईयों को 3-4 महीने, 5 महीने हो चुके थे अप्लाई करते करते, काफ़ी सारी कंपनीज में अप्लाई करा था इन्होंने। पर देखो जी, seek.com पे क्या होता है, वेबसाइट्स पे क्या होता है, लाइक हम ना किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये होता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी आपको रखेगी या नहीं रखेगी, उनको आपका सीवी पसंद आता है नहीं पसंद आता, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। कई कंपनीज तो seek.com पे भी फेक मिल जाती हैं, जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं करती। मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, मुझे कॉल करके चीज़ें बताते हैं कि लाइक अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो सामने वाली लाइक seek.com पे जो मेल आती है उन पे पूछते हैं कि लाइक आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो क्या, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, तो लाइक हम तो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसमें कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इनका क्या था, इनका सीन ऐसे था कि लाइक इन्होंने मेरे पास आए, मैं लाइक मुझे कॉल करा और मुझसे गाइडेंस ली कि सर मैं कैसे अप्लाई करूँ, seek.com पे अप्लाई करते मुझे इतना टाइम हो गया। और मैं अब इनकी प्रोफाइल की बात करता हूँ कि इनकी क्या प्रोफाइल थी, इन्होंने कैसे अप्लाई करा, इन्होंने क्या क्या चीज़ें मतलब सही से शो करी कि इनका वीज़ा आ गया। सबसे पहले जो बात करते हैं, जो पहला वीज़ा था इनका, लाइक इनका केस ऐसे था ना कि ये मतलब लाइक ये 12th पास थे, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, विदाउट एक्सपीरियंस इन्होंने अप्लाई करना था। ये चाहते थे मैं किसी भी जॉब में चला जाऊं, बस ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे इन्होंने अर्निंग करनी थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो मैंने इनको लाइक गाइड करा कि आप सिंपल किसी लाइक जैसे पैकिंग जॉब में होते हैं, वहाँ कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती, तो उस जॉब में आप जा सकते हो, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो सेकेंड वीज़ा है ये है जी अंकित जी का। इन्होंने ना ग्रेजुएशन करी थी, ग्रेजुएशन करने के बाद ये लाइक ऐसे प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते थे, जो जॉब थी इनकी 15-20 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे थे ये, तो लाइक ये भी चाहते थे मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में लाइक जॉब करूं। तो ये लाइक काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे, वेबसाइट्स पे अप्लाई कर रहे थे, सीवी का लेटर बनाया हुआ था, काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे। मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि लाइक मेरा जो मैं अप्लाई कर रहा हूं सब कुछ मेरा सही है, पर मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, मुझे किसी कंपनी से ऑफर लेटर नहीं मिला। तो मैंने पहले तो इनका सीवी कवर लेटर चेक किया। सीवी कवर लेटर में जो ये अप्लाई कर रहे थे ना कि लाइक ये ना इन्होंने कोई अच्छे से चीज़ें मेंशन नहीं करी थी, ये स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे थे तो इन्होंने चीज़ें अच्छे से मेंशन नहीं की थी ना, तो इन जो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट होता है उसमें हमारी एक फ़ोटो लगी होती सीवी कवर लेटर में, वो फ़ोटो इन लगी थी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी ना जो सही से मेंशन नहीं करी गई थी। तो वो चीज़ें मैंने इनको बताई कि पहले आप वो चीज़ें अच्छे से मेंशन करो, वो चीज़ें अच्छे से शो करो, फिर आप लाइक अपना अप्लाई करो। देखो, अप्लाई करना का क्या प्रोसेस होता है, आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छी रखी, चीज़ें अच्छी रखी तो अप्लाई किसी कंपनी में करोगे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है। तो आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना होता है, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें पे काम करा, अपनी चीज़ें सही करी और इनका आज वीज़ा आपके सामने आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं ये निधि जी, इनकी बात करूँ तो लाइक ये ना लाइक मैरिड हैं और इनकी एक छोटी बेटी भी है, तो ये लाइक ना इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हाउस वाइफ थे और ये चाहते थे कि लाइक मतलब इनके हस्बैंड का कोई इतना अच्छा काम नहीं था, तो मेरे मुझे इन्होंने कॉल करा, मेरी यूट्यूब पर वीडियो इन्होंने देखी, मुझसे कॉल करा, मेरी टीम से बात करी और हमने इनको गाइड करा अच्छे से कि लाइक इन्होंने हमसे पूछा कि लाइक हम मैंने जाना है, मैं कैसे जा सकती हूँ, लाइक कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और मुझे कुछ लाइक इतना कुछ पता भी नहीं है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने इनको अच्छे से गाइड करा कि लाइक जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, ये जल्दी प्रोसेस करवाना चाहती थी, तो मैंने
इनका डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करा, जिसे आप सबको मैं बताता रहता हूँ कि जो डायरेक्ट कंपनी के साथ हमारे टाई अप्स है ना, वो डायरेक्ट कंपनी में जल्दी काम हो जाता है। लाइक आपका हम आज अप्लाई करते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर इंटरव्यू हो जाती है, इंटरव्यू के बाद देन कंपनी आपको ऑफर लेटर दे देती है। देखो इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि लाइक वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में क्या है, आपके CV कवर लेटर पर क्या है। वैसे तो मैं उनको गाइड करता हूँ, जैसे जिनका मैं अप्लाई करता हूँ उनको मैं गाइड करता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू आएगा आपने क्या क्या उसमें लाइक चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ों का आंसर करना है, पर कुछ रिसर्च आपको भी करनी होती है। ये मैम का क्या था, इन्होंने सारी रिसर्च खुद से करी हुई थी, मैंने इनको थोड़ा बहुत गाइड करा, बाकी इनकी सारी खुद की रिसर्च थी। इन्होंने लाइक ये आप समझ सकते हो कि एज अ फ्रेशर, एज अ हाउसवाइफ इन्होंने अप्लाई करवाया मुझसे और इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर करा। तो इनका इंटरव्यू के बाद इनका लाइक थोड़ी बहुत डिटेल्स उन्होंने कंपनी ने मांगी, उसके बाद इनका जो इनका जो ऑफर लेटर है ना वो 20 डेज में आ गया था। उसके बाद हमने इनका अप्लाई करा, इनकी PCC और मेडिकल लगी और इनका वीज़ा आ गया। ये आपके सामने वीज़ा है। और मैं सैलरी की बात करूँ, कंपनी क्या सैलरी दे रही है इन सबको, लाइक एक एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 5 से 6 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच में, जो कि इंडिया के बनते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए। तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है और 9 to 5 जॉब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और मंडे टू फ्राइडे आपको वहाँ काम करना होता है। सैटरडे संडे काम करते हो या फिर आप ओवर टाइम काम करते हो, उसके अलग से आपको पैसे मिलते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा पैकेज हो जाता है। और खर्चे की बात करूँ, लाइक लोग पूछते हैं खर्चा कितना आएगा वहाँ पे, लाइक एक्सपेंस कितना होता है, तो जो कंपनी जो होती है ना, आपको फूड एंड अकोमोडेशन तो कंपनी प्रोवाइड करती है, एयर टिकट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है ना वो कंपनी खुद उठाती है बिकॉज कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है। देखो जी, वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, सबसे पहले बात होती है कि हमने वहाँ जॉब फाइंड नहीं, ऑफर लेटर लेना। एक बार आपको ऑफर लेटर ले लेते हो ना तो 80% आपका काम हो जाता है। ऐसा नहीं आप मेरे पास आते हो या किसी के पास जाते हो ऐसे ही आप चले जाते हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं होती। आप नॉलेज गेन करो, यूट्यूब पे चेक करो, हर एक जगह पे अपनी नॉलेज गेन करो। सबसे पहले चीजें आती है नॉलेज पे, नॉलेज आपके पास अच्छी होगी, चीजें आपको पता होंगी तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, कभी लाइक आपका प्रोसेस किसी चीज में रुकेगा नहीं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो।